देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग पहले से ही टेंडरों को लेके बहुत बदनाम रहा है, और लखनऊ में खास तौर से ये जो लखनऊ मंडल का जो इलाका है, चाहे उन्नाव हो, हरदोई हो, सीतापुर हो, यहाँ पर जो एक्सीएन है और एसी है, इन दोनों लोगों की मिली भगत से करोड़ों के खेल होते रहे हैं। अब ताजा मामला ये आया है कि हरदोई में शाहबाद की सड़क का चौड़ीकरण होना था, 52 करोड़ 30 लाख रुपए टेंडर था, तो हरदयाल अहिरवार और जो एसी है मन्नी लाल लखनऊ के, इन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा खेल कर दिया है और मात्र 3 लाख कम करके टेंडर स्वीकार कर लिया सीरस कंपनी का, जबकि 10-10 करोड़ रुपया बिलो लोगों ने टेंडर डाला है, सरकार के खजाने को इन लोगों ने चूना लगाया है, और जो दूसरे टेंडरर थे 9 टेंडर में से 6 को तो पहले इन्होंने निरस्त कर दिया था और 2 को बाद में किया, तो ये सीरस मेसर सीरस फाटक को इनको पहले से साठगांठ थी और उसके चलते ये सब नियम कानून से खिलवाड़ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा मामला है और सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले की जांच कराए जिससे भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई हो। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को आगे आना होगा और जो लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसना होगा। वीरेंद्र जी देखिए, लेकिन इतने बड़े घमासान के बाद जो घपलेबाजी यहाँ पर हुई है, इसके बाद क्या अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? क्या सरकार को अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई? देखिए जो ठेकेदार है जिन्होंने टेंडर डाला था उन्होंने इसकी शिकायत की है शासन में, अब ये कार्रवाई करनी है प्रमुख सचिव को और मंत्री को कि आखिर इतने बड़े टेंडर में ये एक्सीएन और एसी मिलकर कैसे मनमानी कर रहे हैं, कैसे करोड़ों रुपए की सरकार को चोट पहुंचा रहे हैं, जब वही काम 40 करोड़ 45 करोड़ में हो सकता था तो वही काम 52 करोड़ में कराने की क्या जरूरत है जब टेंडर कम डाल रहे हैं लोग। तो ये तो सरकार के खजाने को सीधे सीधे चोट पहुंचाई जा रही है और इससे एक्सीएन और एसी अपनी जेबें भरेंगे, और ये बताता है कि पीडब्ल्यूडी में आज भी एक्सीएनओ का इंजीनियरों का दबदबा है और ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको गुना योगी सरकार का कोई भय है न केशव मौर्य का कोई डर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम।